काश भगवान से आज कुछ और मांग लेती। अरे अब भगवान से मेरी लंबी उम्र मांगो। बापूजी आपने ऐसा किया क्यों? मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। अचानक हवा में से एक आदमी टपका और मैं खजूर में जाके अटका। क्या मतलब कि कर्ट एंगल की सामने की जगह पे खड़ा हो गया। बापूजी ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा हुआ है मोटा भाई, अब आप सबको मैं कैसे बताऊं कि वो आदमी मेरी ही वजह से उड़कर आया था। बापूजी आपको लड़ना ही नहीं था तो वहाँ मना कर देना चाहिए था ना। दादाजी वो कर्ट एंगल 100 किलो का और आप तो पूरे 50 भी नहीं हो। 50 का भी नहीं हूँ। आप उससे कैसे लड़ोगे? 100 किलो। रोके बेटा, जल्दी से पानी लेकर आ। मैं बेटा वो शक्तिवर्धक काढ़ा दे। ये लीजिए, ये पी लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। काढ़े की शीशी तो वहीं रखी है पर पिताजी के हाथों में तो मेरा टॉनिक है। ये क्या किया आपने? क्या किया? काढ़ा ही तो पिला है। अरे ये काढ़ा नहीं, ये माँ शक्तिशाली बनाने वाला टॉनिक है। देखा मेरे काढ़े का कमाल? तुम्हारा ये कमाल का काढ़ा लाने के चक्कर में ही मेरे जीवन में ये धमाल हुआ है। तोड़ पी लो। दूर रख, दूर रखो तुम्हारा काढ़ा, दूर रखो। बापूजी, 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 अब चिंता मत कीजिए बापूजी। हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ जाता हूँ, उसके मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ। उसको बोलता हूँ कि भाई ये मुकाबला कैंसिल कर दे। हाँ, 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 मैं आता हूँ। इस मुसीबत को अपनी जेब में ही रखता हूं ताकि कोई और ना इसे ले ले। माँ सभा तो आज ही है ना? हाँ बालवीर, और सभा शुरू करने का समय भी हो गया है, लेकिन अभी तक अटकाती भटकाती गाल और विषधार परियां आई नहीं है, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माँ गाल परी और विषधार परी कुछ ही पल पहले मुझे परी भवन में मिले थे और उन्होंने कहा कि वो कुछ ही देर में आ रहे हैं। तो फिर वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आई? और अटकाती भटकाती को भी इतना समय क्यों लग रहा होगा? बालवीर अभी रानी महल में है, इस समय हम वहां नहीं जा सकते। क्यों डर गई आप कि बालवीर बजाएगा आपका ढोल? ए छल परी के सुर किसी से नहीं डरते। मैं बालवीर को बिल्कुल अकेला कर देना चाहती हूँ और फिर उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, इसीलिए उसके पीठ पीछे ही मुझे सब पर पार करके अपने वश में करना होगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। लेकिन उसे हमारे यहाँ आने का आभास हो गया तो बाकी परियों को सुरक्षित कर देगा। अरे हाँ, तो करे क्या अब? इंतजार आपके हारने का, तो आपके यहाँ से भागने का। नहीं, बालवीर के यहाँ से जाने का।
दगड़धुम दगड़धुम, लेकिन बालवीर खुद यहाँ परी बाग में आ गया तो सबसे पहले मुझे बालवीर को सम्मोहित करके अपने वश में करना होगा। इससे मेरा शैतानी धुन का खेल थोड़ा कम मजेदार जरूर हो जाएगा, लेकिन जीत तो मेरी ही होगी। माँ, मैं परी बाग में देखकर आता हूँ कि परी अभी तक आई क्यों नहीं। सोच सोच के प्यास भी नहीं बुझ रही है, कैसे लड़ूंगा उस पहलवान के साथ? ये पलंग तो हिला नहीं सकता मैं। ये लोटे की वाटी कैसे हो गई? अरे ये बेड हिल गया, ये लोटे की कटोरी हो गई, ये क्या हो रहा है? ये मेरा वहम है। पहले तो ये पलंग मुझसे हिलता भी नहीं था, ये इतना इजीली कैसे आ गया? अब ये मेरा वहम नहीं है, ये कमाल है, और शायद ये कमाल शक्तिवर्धक काढ़े का है। मैं शक्तिवान हो गया हूं। बापूजी, आप ये ताकत माँ की शक्तिवर्धक काढ़े से नहीं बल्कि मेरी इस महाशक्तिशाली बनाने वाली टॉनिक से आई है। हे भगवान, अब इस टॉनिक की वजह से और कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अटका दी परी, भटका दी परी, गाल परी। विजदार परी, विजदार परी। अटका दी परी। भटका दी परी। भूखा क्या, अगर देख लिया बालवीर ने तो आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, उससे पहले मैं बालवीर को सम्मोहित करके उसे भी अपना गुलाम बना लूंगी। अच्छा चल, है दिखते उस पौधे के पीछे चुपके से है कैसी बजाती बांसुरी ये तेरी चल पड़ी। कैसे भी मोटा भाई, उस कर्ट एंगल के मैनेजर को इस रेसलिंग मैच को कैंसिल कराने के लिए मना ले, सब इसी की वजह से हो रहा है। नहीं रहा, नहीं रहा, भलाई का जमाना नहीं रहा। क्या हुआ? माँ, मैं वहां गया, कर्ट एंगल के मैनेजर से मिला, उसे मैंने रिक्वेस्ट की, बड़े प्यार से कहा कि कल जो बापूजी और कर्ट एंगल का जो मुकाबला है उसे कैंसिल कर दो, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर क्या? फिर उठा के
उन लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया। सॉरी माँ, कल बापूजी को कर्ट एंगल के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और अगर हमने मना किया, उस मैनेजर ने कहा है कि 1,00,000 रुपये भरना पड़ेगा। 1,00,000? महेश, अब क्या होगा? मुकाबला। मेरा मुकाबला कर्ट एंगल से होगा। दादाजी, वीडियो गेम में नहीं लड़ना है, असल में लड़ना है, और वो भी कर्ट एंगल से। महेश बेटा, तू 1,00,000 रुपए की टेंशन ले। ले रहा हूँ बापूजी। हाँ, लेकिन वो खर्च करने के लिए नहीं, 1,00,000 रुपया जमा करने का टेंशन ले। हाँ, क्योंकि मैं कर्ट एंगल से लड़ूंगा और जीतूंगा। आप मानव की साइकिल में हवा भरने में सुबह से शाम लगा देते हो, वो पहलवान के सामने कैसे टिकोगे? दादी, मुझे लगता है कि दादाजी अंदर जाएंगे और उस कोट एंगल को ऐसे छुपकर वापस आ जाएंगे। इससे मैच भी पूरा हो जाएगा और दादाजी को कुछ होगा भी नहीं। मैं उसे छूंगा भी और धोबी पछाड़ भी दूंगा। महेश, तुम्हारी माँ जो शक्तिवर्धक काढ़ा लेके आई ना, उसे पी के मुझ में कमाल की ताकत आ गई है, इसलिए मैं कर्ट एंगल से लड़ूंगा। मत लड़िए बापूजी, वरना पता नहीं आपके साथ क्या होगा। मैं तो कहता हूँ कि इनाम की रकम दुगनी कर दे। 2,00,000 रुपया। कर्ट एंगल, अब तेरी खैर नहीं। अब क्या करें मेहर, वो कर्ट एंगल तो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, मतलब हड्डियां तोड़ने में। हाँ मानव, हम एक काम करते हैं, हम बालवीर को बुलाते हैं, बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। गया कहाँ वो महाशक्तिशाली इंद्र? गया। आया था मैं आखिरी बार यहीं पर ही, और गिरा था मैं यहीं पर ही। हाँ, वो महाशक्तिशाली इंसान, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही मुझे वो महाशक्तिशाली इंसान। अरे, अगर नहीं मिला वो महाशक्तिशाली इंसान मुझे, तो बाल परी कर देगी मुझे गायब परिलोक से। अटकाती परी, भटकाती परी। अब समय आ गया है बालवीर के नाम की वशीकरण धुन बनाने का, लेकिन इस बार ये धुन मैं नहीं बल्कि तुम बनाओगी परियों। बताइए हमें क्या करना है छल परी? वाह वाह वाह, मान गए आपके छल के पल को छल परी। अपनी प्रिय परियों के हाथों से ही चखेगा बालवीर हार का स्वाद। अरे, ऐसा तो सोच भी नहीं सकता कभी बालवीर। दगड़ दुम दगड़ दुम दगड़ दुम, महाराजो शाबाश। सही बोला, तोबा तोबा, जो कोई नहीं सोच सकता वही सोचती है छल परी। विजधार परी, सबसे पहले तुम अपने विजधार की शक्ति बालवीर पर फेंकोगी और उसे अपनी बिजली के ताल के ऐसे झटके दोगी कि वो अपने पांव पर खड़ा ना हो सके। और जब तक वो अपनी हिम्मत समेटेगा, तब तक मैं अपनी वशीकरण बांसुरी से उसे भी सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लूंगी। जाओ विजधार परी। गाल परी।
मानू मेहर मुझे पुकार रहे, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। तुम्हारी किस्मत के सुर तो बहुत अच्छे हैं बालवीर, जो तुम बच गए। लेकिन छल परी तुम्हारे ना होने का भी फायदा उठाएगी, और तुम्हारे परी लोग वापस आने से पहले मैं बाकी परियों को भी अपने वश में कर लूंगी। चलो परियों, रानी महल चलो। बालवीर, बालवीर! मानो मेहर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, हम तो ठीक हैं। लेकिन इस बार दादाजी मुसीबत में फंस गए हैं। दादाजी मुसीबत में? मगर कैसे? मैं बताती हूँ बालवीर। दादाजी भी जिद पे अड़ गए हैं कि कोट एंगल से लड़ेंगे। बालवीर प्लीज तुम उन्हें समझाओ ना। मानो मैं, दादाजी कोई बच्चे नहीं है जिन्हें मैं समझाऊं। अगर उन्हें लड़ना है तो वो उनकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो लड़ना नहीं चाहते और कोई उन्हें जबरदस्ती लड़वा रहा है तो शायद मैं कुछ कर सकता। बालवीर को बता देता हूँ कि बापूजी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि इस टॉनिक के दम पर लड़ रहे हैं। बालवीर, बालवीर, मैं बताता हूँ कि बापूजी क्यों उस रेसलिंग मैच को लड़ने की जिद कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। बालवीर को भी गए हुए काफी समय हो गया है। हाँ, अब तक तो उसे बाकी परियों के साथ यहाँ आ जाना चाहिए था। काला पत्ता? लेकिन ये काला पत्ता परिलोक में कैसे आया? काला रंग तो बुराई का संकेत होता है। जब बुराई कहीं आती है नटखट परी, तो उससे पहले उसकी आहट के सुर वहां पहुंच जाते हैं। धड़क धूम धड़क धूम। हम दरवाजे पे क्यों खड़े? अंदर क्यों नहीं जा रहे? आसानी हमें वार करने में, भागने में, क्योंकि है इतिहास गवाह, दिए हमेशा सच्चाई ने बुराई को मात, और फिर पड़ी है बालू की पूछे लात। लात तो पड़ेगी ही इसकी। छल परी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ परिलोक में आने का? लगता है मुझसे डर के खुद आत्मसमर्पण करने आ गई है ये छल परी। सही कहती है भयंकर परी, तुम सब परियों पर सचमुच बहुत भोली हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी नई रानी परी खड़ी है और तुम उसे पहचान नहीं पा रही? खामोश छल परी, तुम हमारी रानी परी तो दूर, परिलोक के सेवक बनने के भी लायक नहीं हो। सेवक तो तुम बनोगी मेरी, क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुम सबको अपने वश में कर लूंगी और मेरी गुलाम बनकर मेरी धुन पर नाचोगी तुम सब। और तुम सब वही करोगी जो मैं कहूंगी।